अंकित हो गई थी मेरे अंदर, जो आज भी बनी हुई है। उसमें है संबंध, है संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं, संबंध को पहचानना है और उसमें निहित मूल्य को पहचानना है और निर्वाह करना है। ये जो लाइनें थी ये मेरे लिए एकदम नई थी उस समय, क्योंकि संबंध है और उसमें निश्चित अपेक्षा है, ये बात कभी भी ऐसे आई नहीं थी, ना तो परंपरा में, ना भाषा में, ना कभी ऐसा लगा कि संबंध इतने महत्वपूर्ण चीज है। तो ये एक चीज, और दूसरी जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी, अस्तित्व की व्याख्या, क्योंकि वो भी मेरे लिए एकदम नई चीज थी। तो अस्तित्व की व्याख्या जब गणेश वागड़िया भैया जी कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों मैं उस समय ऐसा होता था कि हर दिन रात को सोती भी थी, मेरे को लगता था चारों तरफ मेरे व्यापक हैं, मैं तो सुरक्षित हूँ। तो काफी अंदर से एक भय खत्म हुआ था, अपने आप में एक सुरक्षा महसूस हुई थी। तो वो दिन भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है। ये वो बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जो जो दिन मेरे को आज तक याद है, कि क्या बात मेरे को समझ आई थी, मेरे अंदर क्या उत्सव हुआ था और कैसे मैं उनको लेके आज तक अभ्यास क्रम में हूँ। 2008 में मुझे याद है, जब पहला अध्ययन शिविर हुआ अभ्युदय संस्थान में, सोम भैया जी लिए थे, 1 महीने का था, मानव व्यवहार दर्शन हुआ। उस दिन की पूरी सभा मुझे आज तक याद है, किन्होंने प्रश्न पूछा था, भैया ने कैसे जवाब दिया था। तो उस दिन मुझे क्लियर हुआ था कि व्यापक और इकाइयां अलग अलग है। मतलब कोई भी इकाई कितनी भी ह्रास की स्थिति में चली जाए या जागृति पूर्णता के बाद भी कोई किसी में विलय नहीं होगा। ये मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ था, और वो भी एक दिन, वो भी दिन मेरे लिए बहुत उत्सव का दिन था, क्योंकि उस दिन इतने ज्यादा बार पूछा गया था भैया से, बार 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 बार, क्योंकि हम सब उन्हीं मान्यताओं से निकले हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि प्रश्न किसी ने किया था, जवाब भैया ने दिया था, पर शायद मुझे उसका समाधान मिला था। तो वो दिन मुझे याद है। फिर एक मेरे जीवन में एक पड़ाव आया था, जब 2011 में अभिभावक विद्यालय खुला। अभिभावक विद्यालय तो मतलब अगर मैं कहूँ तो वरदान है हमारे लिए। उस समय मेरे अंदर जो संबंध की पहचान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, जिस समय मैं परिचय शिविर करती थी, तो संबंध की पहचान को लेकर बहुत कुछ मेरे मन में अपने आप में चलता रहता था, कि जो जीवन विद्या किए हुए हैं वो मेरे अपने हैं क्या, जो अच्छे लोग हैं वो मेरे अपने हैं क्या। तो हर दिन मेरे संबंध की पहचान बदलती रहती थी, तो बहुत निश्चित नहीं हो पा रहा था कि संबंध की पहचान का अर्थ क्या है। तो ये मेरी जो अपने अंदर का द्वंद था, उसका समाधान मिला विद्यालय का पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन जब हमको मिला। और वो मार्गदर्शन में जब बाबा जी ने बताया कि सेवा, सहयोग और उपकार को देखना ही संबंध की पहचान है, मतलब मेरे साथ जो मेरी सेवा हुई, जो मेरे सहयोग मिला, जो मेरे ऊपर उपकार हुए, उन सबको मैं देख पाऊं, यही संबंध की पहचान है। तो सही मायने में बोलूं तो पहली बार मैंने अपने माँ के, पिता के, भाई बहन के सेवा, सहयोग और उपकार को देख पाई मैं। भाषा में बहुत बोलने में आ जाता था कि सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, पर चित्रण नहीं था मेरे पास, मेरे पास चित्रण नहीं बनता था। लेकिन जब हम पाठ्यक्रम के ऊपर चलने लगे तो एक चित्रण बनने लगा कि माँ ने क्या क्या किया था, भाई बहन क्या क्या किए, है ना। फिर धीरे धीरे हर संबंध में उनकी सेवा, उपकार, सहयोग देखने का एक अभ्यास सा हो गया है, और उसी अभ्यास में अभी मैं बनी हुई हूँ। अगर बोलूं तो अभी मैं प्राथमिक विद्यालय में ही हूँ दर्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी संबंध की पहचान का काम पूरा नहीं हुआ है मेरा, ऐसा मैं देख पाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो हो रही है मतलब कुछ तो ऐसा हो जा रहा है जहां लगता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं होना चाहिए। इतना जरूर हो गया है कि सामने वाले जो मेरे संबंधी हैं उनको वो गलती दिखाई नहीं दे रही है, उनको लगता है कुछ तो नहीं हुआ, तुम क्यों परेशान होती हो, पर अब मुझे दिखाई देने लग गया है
कि कहाँ कहाँ मेरा हस्तक्षेप हो जाना है, तो उसी प्रयास में हूँ कि कैसे मैं बिना हस्तक्षेप के संबंधों का निर्वाह कर पाऊँ। अगर वो कर पाई तो मैं मानूंगी कि मैं संबंध को पहचान पाई। तो एक ये पड़ाव निकला है। उसके बाद 2013 में मुझे याद है जब हमारा विद्यालय खुले 1.5 वर्ष हुआ था और अचानक बोले कि विद्यालय बंद कर दो, नहीं तो झेलना झिलाना होगा। अरे हम सबके लिए भी ये वो कुछ डिस्टरबेंस हुआ था। ओके, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद कर दो। विद्यालय सॉरी एक बार देखेंगे क्या साथ में कुछ मैसेज है, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि एक एक बच्चा 50-50 बुजुर्गों को संभालने जैसा है, अगर अध्ययन नहीं करोगे तो उखड़ जाओगे। तब उन्होंने हमको 6 महीने के अध्ययन की पूरी स्वरूप बताया और 2013 में 6 महीने का अध्ययन किए हम। उसमें जो हम लोग को मार्गदर्शन मिला वो मैं आप सब लोग को भी बताना चाहती हूँ। हालांकि आप सबके पास सूचना होगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि आप सब जो ये मानव व्यवहार दर्शन से अध्ययन शुरू किए हैं, तो अगर थोड़ा सा भी और इसको हम व्यवस्थित कर पाए कि जहां तक अपन देख रहे हैं कि दोनों सेशन में मिला के 10 या 15 पेज के अंदर हम पढ़ पाते हैं, तो यदि ये 15 पेज आप लोग क्लास के पहले एक बार पढ़ के आए और क्लास के बाद 2 बार और पढ़ ले, अगर हम इस वे में चल पाएंगे तो आप यकीन मानिए कि 4 बार यदि हम कोई लाइन को पढ़ते हैं तो अपने आप में हमारी कल्पनाशीलता उस वस्तु को छूने लगती है, क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता उस ओर दौड़ने लगती है। तो यदि आप लोग ऐसा कर पाए तो सहज उसमें, क्योंकि ये मार्गदर्शन था कि 4 बार पढ़ना, 2 बार अपने आप पढ़ना और 1 बार क्लास में पढ़ना और 1 बार अपने सहपाठियों के साथ पढ़ना, और यदि आवश्यकता लगे तो प्रबोधक से सहयोग लेना। एक तो ये मार्गदर्शन था। दूसरा, हम लोग को जब बाबा जी ने 6 महीने के अध्ययन शिविर के लिए कहा था तो परिभाषा संहिता लास्ट में पढ़ने को कहा था। तो अभी मेरा अगर अभ्यास में देखो तो बहुत ज्यादा परिभाषा संहिता से मैं अभ्यास नहीं है मेरा, पर आज जब मैं किसी चीज को सटीकता से देखने जाती हूँ, समझना चाहती हूँ, तो मैं अभ्यास दर्शन परिभाषा संहिता का पूरा उपयोग कर रही हूँ। पर जब हम 6 महीने का किए थे तो आपस में ही हम चर्चा करके उस वस्तु को समझने की कोशिश करते थे। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। तो इतनी सब बात करनी थी मुझे फिर आप लोग से, और अब मैं वो काम शुरू करती हूँ जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो अब हम शुरू करते हैं कर्म दर्शन, जो मुझे पाठ मिला है कि मन स्वस्थता का स्वरूप। मतलब इतना सुंदर, अब फिर वही बात हो जाएगी कि फिर बाकी चीज नहीं सही है क्या, पर फिर भी मन स्वस्थता का स्वरूप ऐसा बोल सकते कि इस पूरे दर्शन की जो आत्मा है ना? तो बहुत कोशिश करती हूँ मैं, है ना, इसको मैं जितना समझी हूँ, जितना अपने जीने से जोड़ते हुए मैं जिस क्रम में आज हूँ, और जो वांग्मय में लिखा है उसको अपन साथ साथ पठन भी करेंगे और समझेंगे भी। तो शुरू करते हैं। मन स्वस्थता का स्वरूप शुरू करने के पहले बस 2 मिनट में मैं पिछले 3 अध्याय को एक बार रिकैप कर लेती हूँ। अध्याय 1 जो योगेश भैया जी ने लिया था, जिसमें 9 प्रकार से कर्म करता है मानव और हर कर्म का फल होता है। अध्याय 2 में ज्ञान 3 प्रकार के, विवेक, मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य। मानव लक्ष्य में समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, और जीवन लक्ष्य में सुख, शांति, संतोष, आनंद। ये सुनील पाठक भैया, सुनीता दीदी ने लिया था। और अध्याय 3 जो रविकांत बेटा जी ने अभी लिया, तो उसमें सह अस्तित्ववादी विज्ञान, तो उसकी जो महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि जब तक हमको विकास क्रम समझ में नहीं आएगा, विकास समझ में नहीं आएगा।
जागृति क्रम समझ में नहीं आएगा, जागृति समझ में नहीं आएगी। तो जो भी पाठ पिछले आ रहे हैं उसको बहुत अपने बैकअप माइंड में रखने की जरूरत है, तभी हम आगे उस बात को बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो जो अध्याय 3 की महत्वपूर्ण बात है, सूत्र है, सह अस्तित्व नित्य वर्तमान, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी, व्यापक वस्तु पारगामी पारदर्शी, प्रकृति व्यापक वस्तु में संप्रिक्त संपूर्ण प्रकृति, त्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। चौथा पॉइंट है पूरकता उपयोगिता, और फिफ्थ पॉइंट है संबंध मूल्य मूल्यांकन और संतुलन। ये हमने अध्याय 3 शुरू किया तब हमने ये पूरा किया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं उसी के साथ। तो इस पाठ का जो समापन हुआ था वो इस प्रकार हुआ था, इस अध्याय का इस प्रकार, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, इन तीनों चरणों में परमाणु में विकास व जागृति पूरा होता है। परमाणु में विकास का अर्थ यही है। तो परमाणु में विकास का अर्थ है कि जहां पर गठन पूर्णता पूरा होना है ना, और जागृति का है कि क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का पूरा होना। तो अब हम शुरू करते हैं मन स्वस्थता का स्वरूप। अगर हम इसको बोले मन स्वस्थता क्या है, तो ये जीवन लक्ष्य है जिसको हम सुख शांति संतोष आनंद भी कहते हैं। जब सुख शांति संतोष आनंद कहते हैं तो सीधा सीधा मानव से, तो मानव की परिभाषा को जोड़ते हुए, मानव की परिभाषा को रखते हुए हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि आगे मानव की परिभाषा आई हुई है, पर फिर भी हम इसको यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये पूरा अध्याय अगर अपन देखेंगे तो मानव का अध्ययन ही है। तो मानव की परिभाषा हम सबको पता है, मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता का आशावादी। तो मनाकार को साकार करने वाला भाग हमारा बहुत पूरा हो चुका है। अगर आज हम देखें कि इतनी जितनी भी हम देख पा रहे हैं, चाहे वो मानव जाति के व्यक्ति में समस्या हो या परिवार में, समाज में, प्रकृति में, तो उसका कारण यही है कि मानव मन स्वस्थता को अभी पाया नहीं है। तो अपन उसी को शुरू करते हैं। तो बढ़िया से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपन आज के सेशन में मन स्वस्थता का स्वरूप वाला पाठ पूरा कर पाए। भौतिक रासायनिक एवं जीवन क्रियाओं के अध्ययन क्रम में मानव का अध्ययन परिपूर्ण होना आवश्यक है। भौतिक रासायनिक एवं जीवन क्रियाओं के अध्ययन क्रम में मानव का अध्ययन परिपूर्ण होना आवश्यक है। इस मुद्दे पर विगत से अथक प्रयास भी हुआ है। बाबा है तो इसका मतलब एकदम ये है कि हम कभी भी कोई भी चीज आगे बढ़े तो विगत के प्रति हम कृतज्ञता कर पाए कि जो हुआ, जितना हुआ, जिन्होंने प्रयास किया है ना। तो वही बात है कि 90 हथौड़े के बाद एक होता है जहां पर कुछ घटना घट जाती है, तो इसमें हम सबका सम्मान करते हुए चलते हैं कि उन्होंने भी प्रयास किया। मनुष्य के संदर्भ में मानवत्व को पहचाने बिना जो अध्ययन किया गया उसमें भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन भी अधूरा रह गया। मनुष्य मानवत्व को पहचाने बिना जो अध्ययन किया गया उसमें भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन भी अधूरा रह गया। जबकि विज्ञान में हम क्या बोलते हैं कि ये काम हो चुका है पूरा, लेकिन जब हम व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं तब देख पाते हैं कि वो अध्ययन भी अधूरा रह गया, क्योंकि भौतिक रासायनिक वस्तु का भी सही मूल्यांकन मानव नहीं कर पाया। अगर हम आध्यात्मवाद में देखते हैं तो वहां पर उसका अवमूल्यन हुआ, और अगर हम भौतिकवाद में देखते हैं तो जितने भी भौतिक रासायनिक वस्तुएं उसका अधिमूल्यन हुआ। तो देखा जाए तो सही सही मूल्यांकन भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों का भी नहीं हो पाया। उसी प्रकार भौतिक रासायनिक क्रियाकलापों का जितना भी अध्ययन हुआ उसके आधार पर भी मानव को समझना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जितना भी रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप का अध्ययन हुआ
तो यदि हम मानव को यंत्र बनाए, है ना, ऐसी कई चीजें जो उससे जोड़ने की कोशिश किए, तब वहां पर भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। तो दोनों प्रकार से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप का सूत्र अभी तक मानव को जितना उपलब्ध है उसके आधार पर मानव का सूत्र और व्याख्या नहीं होता। इसलिए हम मानव मानव पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं पहुंचे। हम सर्व देश में रहने वाले मानव भौतिक क्रियाकलाप पर विश्वास करते हैं, जबकि मानव के क्रियाकलाप पर विश्वास करना अभी तक बना नहीं। मतलब अगर अब हम देखते हैं कि समस्या कहाँ है, तो यही है कि मानव के ऊपर विश्वास करना नहीं बना। इसकी आगे और भी बात है, उसको अपन और अच्छे से फैलाएंगे कि क्या बात हुई और उसको कैसे अपन आगे समझेंगे। इस समस्या के चलते अभी तक मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, मतलब आप ध्यान देना, इस समस्या के चलते अभी तक मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, मानव की प्रकृति पर निश्चयन करना संभव नहीं हो पाया। मतलब ये जो समस्या है कि मानव मानव पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि मानव का मानवत्व, मानव का आचरण और मानव की मानसिकता का निश्चयन नहीं हो पाया। तो अगर हम इस अध्याय में देखेंगे तो ये तीन प्रमुख बिंदु हैं जिनको फैलाया गया है, मानव का मानवत्व, मानव का आचरण और मानव की मानसिकता। तो इसी को अपन, ये मानव के अध्ययन को ही प्रमुख रखते हुए इन्हीं तीन बातों पर ध्यान देंगे तो आगे कुछ चीज बहुत सुंदर से व्याख्यायित है। इस घोषणा को प्रकारांतर से सभी शासन संस्था, शिक्षण संस्था, धर्म संस्थान संस्था, प्रौद्योगिकी संस्था, व्यापार संस्थाएं अनेक प्रकार से कहती ही रहती है। इस स्थली की रिक्तता ही विकास और जागृति को समझने की आवश्यकता। थोड़ा सा वो हो जा रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जा रहा है ना, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं इस बात को कि कामना रूप में सभी संस्थाओं की ये कामना ही। ठीक है, अब ठीक है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु ही भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप में भागीदारी करता है। जीवन क्रियाकलाप के मूल में गठन पूर्ण परमाणु का होना स्पष्ट किया जा चुका है, चाहे भौतिक क्रियाकलाप हो, चूंकि ये बात हम अभी पिछले रविकांत बेटा जी ने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। चाहे भौतिक क्रियाकलाप हो, रासायनिक हो या जीवन क्रियाकलाप हो, इन तीनों विधा की पहचान और विविधता की पहचान, मतलब इन तीनों क्रियाकलाप की पहचान, इन तीनों विधा की पहचान और विविधता की पहचान, एकता की पहचान, ये उन उनके आचरण के आधार पर ही हम मानव निर्धारित कर पा रहे हैं। जैसे लोहे के आचरणों के आधार पर लोहे की पहचान निर्धारित करते हैं, वैसे ही मिट्टी, पत्थर, धातु, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, इन सबको उन उनके आचरणों के आधार पर ही पहचानते हैं और उनके साथ मानव के होने वाले कार्य व्यवहार को भी निर्धारित कर पाते हैं। आगे अगर अपन अब देख पाते हैं तो अस्तित्व में मानव जीवन क्रिया और भौतिक रासायनिक क्रिया का संयुक्त स्वरूप होना स्पष्ट है। यहाँ से अपन मानव के स्वरूप और उसका अध्ययन है कि अस्तित्व में मानव जीवन क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया का संयुक्त स्वरूप होना स्पष्ट है। इसमें ना बहुत बढ़िया से, कई बार ऐसा होता है कि जब हम परिचय शिविर कर रहे होते हैं तो चूंकि जीवन क्रियाओं को हम पहली बार सुने रहते हैं या अपने लिए एक
एक ये बात रहती कि अरे जीवन है, इतनी बात है, तो कहीं ना कहीं शरीर का अवमूल्यन होने लगता है। तो संयुक्त स्वरूप होना, स्पष्ट होना, यहाँ किसी का अधिमूल्यन नहीं है, किसी का अवमूल्यन नहीं है, ये बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो ऐसा होने लगता है कि हम कभी जीवन का अधिमूल्यन कर देते हैं, कभी व्यवहार का अधिमूल्य। तो स्वरूप होना स्पष्ट है और सबका सही सही मूल्यांकन हो पाए। परमाणु गठन पूर्ण स्थिति में जीवन क्रिया कला और प्रमाण अनुभव को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करता है। इसका परीक्षण हर मानव अपने में और हर मानव में किया जाना बड़ बन सकता है। इसलिए मानव मानव में से के लिए अध्ययन की वस्तु है। ये लाइन मेरे को बहुत महत्वपूर्ण लगती है, अगर हम ध्यान देंगे तो, कि इसलिए मानव मानव में से के लिए अध्ययन की वस्तु है। मतलब अगर हम परंपरा में देखें, परिवार विधि में देखें, शिक्षा व्यवस्था में देखें, समाज में देखें, हम कभी भी मानव को अध्ययन की वस्तु नहीं माने। मतलब हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उस वो ऐसा क्यों है, इस कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक बार रुक के इस बात को, जैसा मेरे को लगता है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मानव का अध्ययन होना। तो हम सब मानव का अध्ययन कर ही रहे हैं, मेरे को लगता है हम सब अध्ययनार्थी हैं, तो दर्शन पढ़ ही रहे होंगे। तो इसमें जो बात समझ में आती है, अभी हम भले बड़े हो गए हैं, पर जब हम बच्चों के लिए, हम बाबा जी का मार्गदर्शन में जब तीन बात जो मानव संतान की मूल प्रवृत्ति के रूप में सुने थे, कि न्याय का याचक होता है, सत्यवक्ता, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक। तो अब ठीक है, अपना शरीर बड़ा हो गया, पर अगर हम देखेंगे तो पूरी मानव जाति आज वही खड़ी हुई है कि वो आज भी न्याय की याचना के साथ ही है। मतलब अगर अपन अपने आप को देखें तो ये समझ में आता है कि अच्छा, हम बड़े शरीर वाले बच्चे ही हैं, क्योंकि हमारी न्याय की याचना अभी तक ऐसा लगता नहीं कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हमारे लिए बहुत कुछ हुआ है, पर न तो कभी परिवार में, न शिक्षा व्यवस्था में कभी भी इस ओर ध्यानाकर्षण नहीं कराया गया कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया, आपके पिता ने क्या किया, आपके भाई बहन ने क्या किया, आपके गुरु ने क्या किया। तो ये जो ध्यानाकर्षण नहीं कराया गया, इससे मानव जाति के अंदर वो चित्रण नहीं बन पाया। मतलब वो चित्रण नहीं बन पाया कि मेरे ऊपर, मेरे साथ कितना सहयोग हुआ है, मेरी कितनी सेवा हुई है, मेरे ऊपर कितने उपकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ हो के भी हम अपनी भ्रमित अवस्था के कारण, भ्रमित कल्पनाशीलता के कारण, भ्रमित उसमें न्याय की याचना हमारी पूरी हुई है, इस बात को हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इसमें मेरे को एक वो याद आता है, जब बाबा जी के साथ बच्चों को लेके बात हो रही थी, तो हिमांशु भैया भी पास में बैठे हुए थे, हिमांशु दुग्गड़ भैया। तो हिमांशु भैया एक बार ऐसे ही पूछे थे कि पर बाबा जी, कई बार अपने को ऐसा दिखता है कि माता पिता भी नासमझ हैं, और वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चा कैसे कृतज्ञ होगा। तो उस समय बाबा जी ने कहा कि शरीर मिलना, पोषण और संरक्षण, इतने भाग के लिए माता पिता के प्रति कृतज्ञता आने की बात है। अब आप अगर ध्यान देंगे तो कभी कभी सच में जब मैं सोचने लगती हूँ तो लगता है कि वो ही 10 साल बच्चों के चित्रण में माता पिता भाई बहन है ही नहीं। मतलब कोई घर में भी बात नहीं होती है। अगर आज हम परिवार में देखें कि अगर एक बच्चे के लिए सब परिवार के हर सदस्य कुछ कुछ कर रहा है, पर वो बड़प्पन नहीं है कि मैं ये कह पाऊं कि अगर मैं दादी हूं तो मैं ये कह पाऊं कि बेटा जी देखो, आपकी मम्मी आपके लिए कितना कुछ कर रही है, आपके पापा कितना कुछ कर रहे हैं। तो सदस्य, हम हमारे मानव जाति में वो बड़प्पन ही नहीं आया कि हम एक दूसरे की अच्छी बात को देख पाते और ये बच्चे में संप्रेषित कर पाते। अगर अपन देखेंगे तो क्या होता है कि मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, ये ही सबकी अपनी अपनी राग ज्यादा हमको सुनाई देती है। तो न्याय की याचना पूरी हो हुई है अगर ये मुझे दिखाई देता है, तो अपने को एक तृप्ति महसूस होती है और हम
न्याय प्रदायी योग्यता की ओर बढ़ते हैं। तो मानव के अध्ययन में अगर हम देखें तो ये तीन बात यदि हमको ध्यान रहती है कि न्याय की याचना, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्यवक्ता, और कितनी भी गलतियां करने वाला कब सही करने लगेगा, ये जो सूत्र है, अगर ये मेरे को ध्यान में रहता है तो अपन ये देख ही पाते कि उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो सही करने की है, पर अभी गलती कर रहा है, और कितनी भी गलती करके जिस दिन उसको सही समझ में आएगा वो सही करने लगेगा। तो यदि हमको ये बात समझ में आती है तो मेरे को लगता है यही एक जो मानव के आचरण की बात आएगी, मानव के अध्ययन में, ये धीरता की बात है। और परंपरा में जो मिला वो हर मानव ने वहन किया, तो इसमें मानव की कितनी गलती है इसको भी अपने को देखने की जरूरत पड़ती है कि अगर उधर ध्यान ही नहीं दिलाया गया बच्चे का कि संबंध क्या है, संबंध की पहचान क्या है, संबंध में निहित अपेक्षाएं क्या है और उसको निर्वाह करना है, तो मानव जाति की कितनी गलती है और शिक्षा व्यवस्था और परिवार व्यवस्था में इस वस्तु की कमी होने का कितना बड़ा कारण है। तो इस बात को भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी बात जो लगती है कि जब अपन मानव को देखने जाते हैं, है तो अभी मैं यहाँ पर इतनी बात करती हूँ क्योंकि आगे और बात आने वाली है ना, मानव के अध्ययन की बात है पूरी। तो मानव का अध्ययन करने की वस्तु है ये, बहुत ध्यान रखने की चीज है। तो आपके साथ, आपके आसपास जितने लोग हैं उन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर वापस एक लाइन मुझे याद आती है बाबा जी की, ध्यान करने की चीज नहीं है, देने की चीज है। तो अब जब ध्यान देने की चीज है तो हर चीज पर ध्यान दिया जाए ना, तो ये फिर भी मिसिंग हो ही जाता था, पर अब ध्यान जाता है कि मानव का अध्ययन मानव से कम में नहीं होगा। तो मानव पे ध्यान दिया जाए, अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दिया जाए कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है और उसकी मूल प्रवृत्ति ये है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से संबंध को पहचान सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, और मेरे को लगता है मानव का अध्ययन ऐसे ही हो पाएगा। यदि हम सोचेंगे कि किसी एक या दो को हम श्रेष्ठ मान लें और बस अब हम उधर ही फोकस हो गए, और अपने आसपास के लोगों को ये तो समझ नहीं सकता, ये तो ऐसा जी रहा है, इसको तो ये कर रहा है, अभी तो इसको इसी में रहने दो, मतलब ये मैं अपनी मानसिकता बता रही हूँ, जब मेरे को ये चीज की समझ नहीं थी तो हमेशा क्या आकलन होता था, ये क्या समझेगा, है ना, अभी तो ये खाने पीने मस्ती में लगा है तो छोड़ो, जब समझेगा समझेगा। तब बाबा जी ने जब कहा कि यही अपने पराई की दीवार है, मतलब हर मानव समझ सकता है, हर मानव समझना ही चाहता है, जब तक ये विश्वास नहीं आएगा तब तक मानव को हम क्या समझे। तो ये चीज बहुत बढ़िया से अपने को देखने की जरूरत है कि चाहे वो जीवन विद्या से जुड़ा हो कि ना जुड़ा हो, उसको कुछ नहीं पता हो, किसी भी प्रवृत्ति के साथ हो, फिर भी मेरे अंदर ये विश्वास रहे कि वो मानव है, मानव समझना ही चाहता है और मानव समझ सकता है। तो मानव के अध्ययन में ये एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने की जरूरत मुझे लगती है। अब आती है बात मन स्वस्थता की। मन स्वस्थता को हम सुख कह सकते हैं, मन स्वस्थता को हम सुख कह सकते हैं। यह समाधान का अनुभव एवं प्रमाण है। मन स्वस्थता का प्रमाण अर्थात व्यवहार परंपरा में प्रमाण समाधान के रूप में होना पाया गया है। मतलब मन स्वस्थता जिसको हम सुख कह सकते हैं, और यह समाधान अनुभव एवं प्रमाण है, और मन स्वस्थता का प्रमाण अर्थात व्यवहार परंपरा में प्रमाण समाधान के रूप में होना पाया जाता है। तो मन स्वस्थता हो, सुख हो, समाधान हो, अगर हम इसको देखें तो एक ही अर्थ निकल के आ रहा है। इसी के साथ मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में पहचाना गया है और हर नर नारी इसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी पता लगा, ये भी दो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी पता लगा कि समाधान ही अनुभव में सुख है। सुख का प्रमाण व्यवहार में समाधान है। अब आप इस पे ध्यान, मेरा जो ध्यान गया, ध्यान देने, क्योंकि कई बार बाबा जी के मुंह से हम ये सुनते थे कि आप जितना प्रयास करोगे उससे अधिक की उपलब्धि है ना। तो
एक के साथ एक फ्री वाली बात है यहाँ पर भी, कि यदि हम उसको जैसे इस प्रकार समाधान का जो ध्रुवीकरण की बात है कि समाधान ही अनुभव में सुख है, तो अब ये ऊपर की क्रियाओं से भी जुड़ रहा है और सुख का प्रमाण व्यवहार में समाधान है, और उसका जो प्रमाण है वो हमारे व्यवहार में समाधान के रूप में दिखाई देगा। तो समाधान का ध्रुवीकरण किया गया है कि यदि हम अगर अपन देखें कि हम अनुभवगामी से जा रहे हैं, तो अनुभवगामी से यदि हम संबंध की पहचान के साथ उसमें निहित मूल्यों की पहचान, उसका निर्वाह, और इस प्रकार से व्यवस्था के अर्थ में यदि हम चलने लगते हैं, तो समाधान की स्थिति तक आते आते अनुभव में सुख वाली बात घटित होती है। मतलब पुरुषार्थ हमारा इधर है, लेकिन वो घटना घट वो हमको बाय गिफ्ट एक उपलब्धि है जो हमको मिलती है, इसलिए समाधान बराबर सुख की बात है। इस प्रकार समाधान का ध्रुवीकरण हुआ, मतलब जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य दोनों अविभाज्य हैं। अगर अपन इसको ऐसा देखें तो सुख शांति संतोष आनंद जीवन लक्ष्य है, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व मानव लक्ष्य है। तो ये जो समाधान का ध्रुवीकरण किया गया, यहाँ से हमको जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के बीच की अविभाज्यता का पता चलता है। समाधान जीवन क्रिया का अथवा मन स्वस्थता का अथवा जीवन जागृति का अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन होना स्पष्ट हुआ। समाधान, अगर हम समाधान के साथ हैं, तो वो जीवन क्रिया का अर्थात मन स्वस्थता का अर्थात जीवन जागृति का अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन होना स्पष्ट हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। मन स्वस्थता मानव परंपरा में से के लिए, कि शायद मैं अभी इतनी यूज्ड नहीं हूं कि मैं आप लोग के कुछ प्रश्न या जिज्ञासा को देख पाऊं या उसका जवाब दे पाऊं, पर जितनी भी आप लोग की जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसको मैं बाद में आराम से पढ़ के नेक्स्ट सेशन में उसको उत्तरित करूंगी। अभी मैं अपने फ्लो में चलूंगी तो शायद मैं सहज रहूंगी, तो बीच में उसको मैं अभी नहीं देख रही हूँ। मन स्वस्थता मानव परंपरा में से के लिए अति अनिवार्य मुद्दा है। मन स्वस्थता पूर्वक मानव लक्ष्य प्रमाणित हो पाता है। मानव लक्ष्य सार्थक होने के क्रम में मानव अपने में व्यवस्थित हो जाता है और व्यवस्था में भागीदारी करता है। मतलब मन स्वस्थता ही अति अनिवार्य मुद्दा है, क्योंकि वही व्यवस्था में प्रमाणित होगा और भागीदारी करेगा। मानव में व्यवस्था अपने आप में रासायनिक भौतिक क्रिया में सीमित न होने के कारण, होने का प्रधान कारण मानव में जीवन क्रिया का होना है। जीवन क्रिया का गवाही हर मानव ही है। यद्यपि जीवों में भी जीवन क्रिया होती है, परंतु जीवों में जीवन संगी शरीर के अनुरूप कार्य करने में सीमित है, क्योंकि हर जीव वंशानुसंगीय विधि से प्रवृत्ति और कार्यों को प्रमाणित करता ही रहता है। यह संवेदनाओं के अर्थ में सीमित रहना देखा गया है, जबकि मानव में जीवन संज्ञानशीलता, जानना मानना, अब यहाँ पर फिर एक बार मानव के अध्ययन की बात आएगी, जबकि मानव में जीवन संज्ञानशीलता, जानना मानना और संवेदनशीलता, पहचानना निर्वाह करना, दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगर अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे अभी अपन देखते हैं परिवारों में या मानव जाति में, तो संवेदनशीलता के कारण जितना भी कुछ अभी हो पा रहा है, जितनी भी हम संबंध को पहचान रहे हैं, उसको जी पा रहे हैं, तो मेहनत कम तो नहीं हो रही है परिवारों में। संबंध की पहचान होना, उसको निर्वाह करना, सब प्रातदिन लगे ही हुए हैं, पर चूंकि वो जानने के आधार पे नहीं है, इसलिए निरंतरता नहीं हो पाती है। मतलब यहाँ यही हो रहा है कि संवेदनशीलता के आधार पर जो पहचानना और निर्वाह करना है, वो शरीर के अर्थ में ज्यादा चला जा रहा है, मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य उसमें थोड़ा इग्नोर हो रहे हैं, जिसके कारण 10 साल 20 साल एक ही परिवार में संबंधों में खूब मेहनत करने के बाद भी हम यही सुनते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कारण यही समझ में आता है कि चूंकि
जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य का अध्ययन नहीं हुआ है और मानवत्व का अध्ययन नहीं हुआ है कि मानव का क्या है, उसका त्व क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, वो कैसे तृप्त होगा और किस बात से होगा, उसका अध्ययन नहीं होने से जितना भी श्रम हो रहा है संबंधों में वो कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जा रहा है। ये तो अपन सब भी देख पाते हैं और मानव पीड़ा में भी जा रहे हैं। जैसे जो अच्छे लोग हैं अपन बोलते हैं कि जिन्होंने अपना सच में जितना उसमें उनके पास समझ थी उन्होंने अपना सब कुछ लगाया अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने संबंधियों में, पर जब वो प्रतिफल नहीं मिलता है जो निश्चित अपेक्षा है, अगर वो नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं क्षोभ और पीड़ा बनी हुई है मानव में। तो जानना मानना और संवेदनशीलता, पहचानना निर्वाह करना, दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीव संसार में केवल संवेदनाएं प्रमाणित हो पाती है, जबकि मानव परंपरा में संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता दोनों प्रमाणित होते हैं। अपन सोचेंगे कि खाली संवेदनशीलता से भी कुछ हो जाए पर उसका कोई प्रमाण नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप में मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि मानव परंपरा में दोनों प्रमाणित, और हर जागृत मानव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाओं पर नियंत्रण पाए रहते हैं। हर जागृत मानव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाओं पर नियंत्रण पाए रहते हैं। यह जागृति पूर्ण अथवा सहज मानव की मौलिकता है। अतएव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित, संतुलित, प्रयोजनशील होना ही मानव की मौलिकता है। अतएव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित, संतुलित और प्रयोजनशील होना ही मानव की मौलिकता है। यहाँ पर अगर अपन अब थोड़ा सा रुकते हैं तो ये देख पाते हैं अपन कि संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित, तो संज्ञानीयता पूर्वक ही स्वभाव गति में होना, नियंत्रित मतलब स्वभाव गति में होना, संतुलित तो अगर मानव के उसमें अपन अगर देखते हैं तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, एक शुरुआत कर रहे हैं इस चीज को देखने की अपन कैसे देखें, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, और उसमें यदि हम व्यक्तित्व में देखने जाते हैं तो आहार विहार व्यवहार, अगर इसमें से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी है ना, मतलब कोई भी ऐसी प्रवृत्ति है जो संज्ञानीयता से नियंत्रित नहीं हो रही है, तो मानव स्वयं में व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं दे पाता है और न ही समग्र व्यवस्था में कोई भागीदारी उसकी सुनिश्चित हो पाती है। मतलब अगर अपन आज सिर्फ आहार को ही ले ले, मतलब मेरे को एकदम अच्छे से याद है एक बार अनुभव शिविर के समय बाबा जी ने, जैसा कि वो हर अनुभव शिविर में सबसे बोलते थे कि आप सब अपनी अपनी सत्यापन करो, तो एक बार उन्होंने बिल्कुल भी किसी को सत्यापन करने नहीं बोला और कहा कि चलो सब मिलके चर्चा करो कि आहार, मानव का आहार क्या होना चाहिए और अभी क्या है। तो उसपे बहुत सारा शाकाहार मांसाहार पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, गणेश बागड़िया जी भैया जी और सभी लोग थे करीब करीब। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से राकेश गुप्ता भैया जी ने ही पूछा बाबा जी से कि बाबा जी इस बार आप एकदम ये वाले मैटर पे कैसे बात किए, सत्यापन पर कैसे नहीं किए। तब बाबा जी ने कहा कि पहले प्रवृत्तियां तो ठीक हो जाए, मतलब ये बोलने को आप इस पूरे दर्शन में अगर हम देखेंगे तो इतना बड़े वांग्मय में अगर मैं आहार बोल रही हूँ तो लगेगा ये क्या बात है, मतलब ठीक है ना, जैसा है चलेगा, पर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब अब यहाँ पर वही बात आती है कि ना तो किसी बात का अधिमूल्यन है ना अवमूल्यन है। यदि आहार भी सुनिश्चित नहीं है तो वहां से भी प्रवृत्तियां निकलती हैं, विहार सुनिश्चित नहीं है वहां से भी प्रवृत्तियां। तो अगर मैं आहार विहार व्यवहार में संज्ञानीयता के से नियंत्रित नहीं है ये चीजें मेरी, तो कहीं ना कहीं मैं स्वयं में अव्यवस्था हूँ और अपने से बड़ी व्यवस्था में अव्यवस्था ही फैलाने का काम करूंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अव्यवस्थित हूँ, मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ। मतलब बोलने में यही आ जाता है भाई, मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी खाऊं, मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूं। लेकिन नहीं, ये इसका
बंटन तो होता ही है सब चीज का, जो जिसके पास होता है वो उसको बांटता ही है। तो आज अपन जो भी देख पा रहे हैं, जो भी असंतुलन है, मतलब आप एक छोटे से पॉइंट को भी पकड़ सकते हो कि कैसे एक बड़ी व्यवस्था को वो चीज अव्यवस्थित कर देती है। तो संतुलन अगर हम देखते हैं, तो अगर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन है तो ये निश्चित है कि उनका आहार विहार व्यवहार संतुलित होगा। आहार विहार व्यवहार संतुलित है तो ये निश्चित होता है कि जब शरीर की आवश्यकताएं सुनिश्चित है तो बाकी जगह जो शरीर से संबंधित साधन है, सुविधाएं, उनका सदुपयोग ही होगा, उनका दुरुपयोग नहीं होगा। तो जब साधनों का सदुपयोग होगा तो दोहन नहीं होगा। तो ये जो क्रम है संतुलन का, ये धरती में संतुलन तक लेके जाता है। अगर मानव में प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन को अपन थोड़ा और अच्छे से देख पाए, समझ पाएंगे, तो लगता है कि यही जाके सीधा धरती में संतुलन को संप्रेषित करता है। तो संतुलित होना और प्रयोजनशील होना, मतलब ये तो अनुभव मूलक लिखा हुआ है, अपन जो किस किस चीज पे ध्यान दे सकते हैं उसकी अपन एक बात कर रहे हैं साथ साथ में। आहार विहार व्यवहार प्रतिभा और व्यक्तित्व संतुलन और प्रयोजनशील होना। प्रयोजनशील होना मतलब सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, मतलब सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए आपको कोई बहुत कुछ नहीं करना है। मतलब कई बार हमारे हम बहुत ज्यादा लोडेड हो जाते हैं कि मेरे को ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। पर यदि हम अपना स्वयं का अध्ययन, परस्परता में मानव का अध्ययन यदि हमारा सही हो जाता है, तो मुझे लगता है कि सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। आप कुछ नहीं करके भी भागीदारी ही कर रहे होते हैं उस समय। तो हम कई प्रकार से भागीदारी कर सकते हैं, तो प्रयोजनशील होना ही मानव की मौलिकता है। इस अर्थ में संपूर्ण प्रयोजन संज्ञानीयता का प्रमाण होना पाया गया जाता है। तो ये एक बात है पूरी इसकी, और इस पे अपन अपना ध्यान भी दे ही सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बढ़िया से ध्यान देकर अपन धीरे धीरे अपनी अनुकूलता के अनुसार ठीक कर सकते हैं। किसी के दबाव प्रभाव की कोई बात नहीं है यहाँ पर, हमारी सहज गति रहे, क्योंकि अध्ययन तभी होगा जब प्रसन्नता रहेगी। तो न तो अपने को किसी पूर्वाग्रह में, न किसी कुंठा में, न अपराध बोध में, है ना। हर कोई का अपना एक अलग स्थिति है, तो अपने आप को पहचानते हुए और साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मानव की परिभाषा अब यहाँ आती है। मानव की परिभाषा मनाकार को साकार करने, मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। यह हर मानव में से के लिए स्वीकृत है, इसका सर्वेक्षण किया ही जा सकता है। मानव स्वस्थ मानस का होना चाहता ही है, मतलब तो ये तो सामान्य सी बात है, आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई स्वस्थ मानस का होना चाहता है और मनाकार को साकार करता ही रहता है। इसे सर्व देश काल में परीक्षण किया जा सकता है। इस ढंग से रासायनिक, भौतिक और जीवन क्रिया का संयुक्त प्रकाशन रूपी मानव अन्य प्रकृति जैसे जीव प्रकृति, वनस्पति प्रकृति और खनिज प्रकृति से भिन्न होना अपने आप में स्पष्ट है। जीवन क्रिया का संयुक्त प्रकाशन, भौतिक रासायनिक के साथ जीवन क्रिया का, मतलब तीन क्रियाएं हैं अस्तित्व में, उसमें प्रकृति, उसमें भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, और तीनों क्रियाओं का संयुक्त प्रकाशन के रूप में मानव है। इस आधार पे तीनों शेष प्रकृति से वो अपने आप में भिन्न है, ऐसा हम देख पाते हैं। तो ये जहां पर मानवत्व की बात आ रही थी, वहां अब हम मानव के आचरण को की बात है। अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, तो जो अपन बात किए थे कि पूरे अध्याय में तीन चीजों को फैला के बताया गया है, मानवत्व, मानव का आचरण और मानव की मानसिकता। तो आचरण के लिए सह अस्तित्ववादी विचार के अनुसार, ज्ञान विवेक विज्ञान के अनुसार, सर्व मानव को मानव लक्ष्य के अर्थ में शिक्षा संस्कार को अपनाना आवश्यक है। एक बार फिर पढ़ते देते हैं इसको। सह अस्तित्ववादी विचार के अनुसार, ज्ञान विवेक विज्ञान के अनुसार, सर्व मानव को मानव लक्ष्य के अर्थ में,
ये महत्वपूर्ण बात है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में शिक्षा संस्कार को अपनाना आवश्यक है। तो मानव लक्ष्य क्या है यहाँ? मानवीयता पूर्ण आचरण मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पष्ट रहना आवश्यक है। अगर हम शिक्षा संस्कार की विषय वस्तु की लिए बात करें तो मानवीयता पूर्ण आचरण उसका फलन हो। तो मानवीयता पूर्ण आचरण मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पष्ट रहना आवश्यक है, क्योंकि सभी अवस्था में आचरण के आधार पर ही उन अवस्थाओं का लक्ष्य पूर्ण हुआ समझ में आता है। मतलब तो मानव का लक्ष्य पूरा हुआ वो उसके मानवीयता पूर्ण आचरण से ही समझ में आएगा। जैसे पदार्थ अवस्था में संपूर्ण वस्तु परिणाम के आधार पर यथास्थिति रूपी लक्ष्य का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। पदार्थ अवस्था रूप के आधार पर अपने आचरण को करते हुए दिखती है। इसी प्रकार प्राणावस्था और जीवावस्था में भी कार्यरत सभी इकाइयां उन उन अवस्थाओं के लक्ष्य के अर्थ में आचरण करती हुई स्पष्ट है। यथा प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि के अर्थ में, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक यात्रा करता हुआ देखने को मिलता है। इसी प्रकार संपूर्ण जीव संसार अस्तित्व पुष्टि सहित वंशानुसंगीय विधि से जीने की आशा में आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। इतने सुस्पष्ट स्थितियों को देखने के उपरांत यह भी आवश्यक रहा कि मानव का आचरण अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में होना है, जिसके लिए मन स्वस्थता प्रमाणित होना स्वाभाविक है। तो मानव अपने आप को मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ ही प्रमाणित कर सकेगा, इस बात की बात यहाँ पर है कि अगर आचरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आचरण है जो मानव को स्थापित करेगा। उसके निश्चित आचरण को बाकी तीनों अवस्थाओं जैसे अपने निश्चित आचरण के साथ है, तो मानव मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ ही अपने आप को प्रमाणित कर पाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि मानव का ये मानवीयता पूर्ण आचरण कैसे फैला के देखते हैं कि कैसे होगा। तो मानव का आचरण, जब भी हम मानव के आचरण की बात करते हैं तो वापस तीन ही बात आती है, मूल्य, चरित्र, नैतिकता। तो अब यहाँ पर फिर हम वो व्याख्या कर सकते हैं जैसा हम प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन के आधार पर किए थे, कि आहार अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण चीज है, विहार अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो मानव का आचरण की जब अपन बात करते हैं तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता। अब अगर हम मूल्य को ही नहीं समझते हैं, है ना, अगर हमने शिक्षा व्यवस्था में या आसपास या अपने परिवारों में कहीं भी अगर हमको ये निश्चित मूल्य है संबंधों में है, इस बात को यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो जो अभाव है मतलब मानव के अंदर का, फिर वो जो अभाव है, वो पीड़ा, वो विरोध, वो आवेश, वो ये सारी चीजें जाके फिर चरित्र को भी दूषित करती है, अनैतिक भी होते हैं। तो इस तरह से चीजें एक अलग ट्रैक पे जाने लगती हैं। तो अब अगर आप देखते हैं तो मूल्य, तो मूल्य मतलब जहां पर हम सामने भी वापस यही बात आ जाएगी कि हम संबंध को पहचान पाए और उसमें निश्चित मूल्यों को समझ कर उसका निर्वाह कर पाए। तो अगर अपन बोले तो ये प्राथमिक विद्यालय का अगर हम पूरा पाठ्यक्रम देखते हैं तो वो यही आता है कि हम संबंध को कैसे पहचाने। अगर हम संबंध को पहचानते हैं, यहाँ पर संबोधन का बहुत महत्व आता है, क्योंकि जब हम चरित्र में जाते हैं तो यदि संबंध की पहचान के लिए, तो मूल्य से भी यदि हम और मूल्य को समझने के लिए जाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो संबोधन बोलने को कितनी छोटी सी बात है। कई बार हमको सब बोलते हैं कि भाई जी बहन जी बोलने से क्या हो जाएगा, है ना, मम्मी जी पापा जी बोलना, दादाजी दादी जी बोलना, इतना आप लोग इस चीज पे क्यों वो करते हो। तो ये संबोधन आपको संबंध की पहचान तक लेके जाएगा। संबंध की पहचान होने पर ही उसमें निहित मूल्य को हम देख पाएंगे और निहित मूल्य को देखकर ही हम उसका निर्वाह कर पाएंगे, जिसको हम बाद में फिर चरित्र बोलेंगे। तो मानव के आचरण में मूल्य महत्वपूर्ण भाग है ना, जहां पर हम एक दूसरे की परस्पर उपयोगिता को, पूरकता को देख पाए। चरित्र
तो यदि ये सारी जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था, जिस तरह से परिवार में संस्कार की रोपण होगा, तो ये सारी चीजें जब हम चरित्र बोलते हैं तो ये कहाँ जुड़ता है? जब हमको यदि मूल्यों की समझ है तो स्वनियंत्रण स्वस्फूर्त है, मतलब संबंध की पहचान के साथ नियंत्रण स्वयं स्फूर्त है। तो यहाँ पर हमारा जो भाषा है, भाव है, भंगिमा है, अंगाहार है ना, तो ये संबंध की पहचान के साथ स्वयं स्फूर्त नियंत्रित होता है और हम स्वधन स्वनारी है ना, स्वपुरुष और अपने उसमें दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ जी पाते हैं। और यदि हम ऐसा जीते हैं तो निश्चित ही अपने तन मन धन का सदुपयोग ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद और क्या करेंगे हम? यदि मैं अपने आप में मूल्य सहित हूँ, यदि मैं चरित्र में हूँ, तो उसके बाद और कुछ रह नहीं जाता है करने को। तो हम नैतिकता के साथ ही जीते हैं, जहाँ पर हम जो राजनीति है और राजनीति है और सदु धर्म नीति है, जहाँ पर हम वस्तुओं का सदुपयोग भी करते हैं और अपने जीने का तन मन धन का सदुपयोग करना और सुरक्षा करना। आगे इसमें आएगा, फिर अपन पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर बस ये लाइन इसलिए बताना था कि अपन जब भी अपनी हर बात पे हम ध्यान दे पाए कि मूल्य को समझना है, चरित्र को देखना है और नैतिकता, इन तीनों में हमारी दिनचर्या में क्या स्थिति है और हमारे विचारों में इसकी क्या स्थिति है और इसको हम और कैसे पा लें। मौलिकता पूर्वक ही मूल्यों का मूल्यांकन होना पाया जाता है। मानव में संबंधों का निर्वाह, उसकी निरंतरता, उसकी स्वीकृति एक मौलिकता है जो अपन अभी बात किए। इसी अर्थ में संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, परस्पर उभय तृप्ति अथवा परस्पर तृप्ति का होना पाया जाता है। यही मूल्य और मौलिकता का तात्पर्य है। आचरण का दूसरा भाग चरित्र, जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में सुस्पष्ट होना पाया जाता है, जिससे मानव का मौलिक चरित्र अथवा सार्वभौम चरित्र सुस्पष्ट हो जाता है, जिससे मानव का मौलिक चरित्र अथवा सार्वभौम चरित्र सुस्पष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ हर जगह वो बात है कि स्वयं में व्यवस्था है तो एक बड़ी व्यवस्था में हमारी भागीदारी स्वयं स्फूर्त है, नियति सहज विधि से है, उसमें कोई बहुत प्रयास नहीं है। तीसरी विधा में नैतिकता मानव में धर्म नीति और राज्य नीति की अपेक्षा और प्रमाण होना पाया जाता है। तीसरी विधा में नैतिकता मतलब मानव में धर्म नीति और राज्य नीति की अपेक्षा और प्रमाण होना पाया जाता है। प्रमाण रूप में हर जागृत नर नारी अपने तन मन धन रूपी अर्थ के सुरक्षा सदुपयोग के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसमें से सुरक्षात्मक विधियां राजनीति और सदुपयोगात्मक विधियां धर्म नीति के नाम से जानी जाती हैं। अरे जैसे जो भी हमारी शरीर जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी उस सारी चीजों को सुरक्षित करना, जैसा अपन बोलते हैं भाई कि प्रकृति का जितना संवर्धन हो वही उसकी उपयोगिता के साथ उसका सदुपयोग हो और उपयोगिता के साथ ही उसकी सुरक्षा है और सदुपयोगात्मक विधि, तो उपयोगिता सदुपयोगिता के साथ ही सुरक्षा निश्चित है। सह अस्तित्ववादी विधि से हर मानव और ये जो सुरक्षात्मक और सदुपयोगात्मक विधियां हैं, मतलब सदुपयोग ही सुरक्षा है, ये भी एक सूत्र है दर्शन का, इसको बहुत बढ़िया से समझा जा सकता है। तब हमको लगेगा कि हम सुरक्षा के नाम पे क्या क्या करते हैं, है ना। मतलब सुरक्षा के नाम पे हमको लगता है कि यहाँ पर पैसे जमा कर लो, यहाँ पर जमीन ले लो, यहाँ ये कर लो, तो और अपने घर की सुरक्षा के लिए ये कर लो वो कर लो, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आज हम छोटे बच्चे को भी बाहर भेजते हैं, तो आज अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को वो रखे हैं कि कैसे सुरक्षा हो कैसे सुरक्षा हो। पर अगर हम सदुपयोग के लिए सोच लेंगे तो सुरक्षा उसमें समाहित है। मतलब ये बात तो मैं मेरे साथ ही इतनी सुंदर सुंदर
ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है कि ये सूत्र जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत बढ़िया से मैं इस बात के लिए वो हो पाती हूँ कि ऐसे ऐसे समय में इतने लोग खड़े हो जाते हैं आपके लिए। अगर आपको जरूरत थोड़ा सा भी लगता है कि आपको किसी बात की जरूरत है, चाहे वो कुछ भी जरूरत हो, है ना, तो इतने लोग आपके पास खड़े हो जाते हैं यदि हम अपने तन मन धन का सदुपयोग करते हैं। तो सद थोड़ा सा अपन अभ्यास पूर्वक भी कर सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए अपने तन मन धन का सदुपयोग। और ये तो बात है कि अपनी आवश्यकताएं से अधिक ही है, करीब करीब अगर मानो देख पाते हैं तो अपने पास, तो ऐसा है, तो सदुपयोग में सुरक्षा समाहित है। सह अस्तित्ववादी विधि से हर मानव मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य इकाई है। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, स्वयं को स्वयं के लिए रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के संयुक्त रूप में होने को स्वीकारने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, स्वयं को स्वयं के लिए रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के संयुक्त रूप में होने को स्वीकारने की आवश्यकता है। जीवन क्रिया की महिमा और मानव परंपरा में इसकी आवश्यकता ध्यान में रहना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है, जैसे कई बार हम लोग ना बाबा जी से, मतलब हर बार ना जीवन जीवन करके बात करते थे, है कि जीवन जीवन की क्या क्रिया है, जीवन कैसे काम करता है, जीवन मरने के बाद क्या करता है, मतलब हर बार बाबा जी हमारा ध्यान आकर्षण करते थे कि मानव के हिसाब से बात करो, मतलब जीवन क्या, खाली जीवन क्या। तो ये जो बात है ना यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से हमको मतलब पकड़ने की जरूरत है कि कई बार हम, हमको लगता है शरीर को तो हम जानते हैं, शरीर तो ऐसा ही शरीर तो, लेकिन जीवन कोई बात है, आत्मा ये सब, इसमें बहुत ज्यादा उलझने लगते हैं। तो जब भी हम बात करें तो मानव के रूप में करें, क्योंकि जीवन भी जब कभी जब भी अपने आप को प्रमाणित करेगा शरीर ही करेगा। तो इसमें जो ये बात है कि स्वयं के लिए रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के संयुक्त रूप में होने को स्वीकारने की आवश्यकता है। अगर हम इस रूप में अपने आप को स्वीकारते हैं तो हम परंपरा के बारे में सोच पाएंगे। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि यदि मैं सिर्फ जीवन के बारे में सोचती हूँ तो स्वांते सुखाय की ओर जाऊंगी। यदि मैं अपने शरीर को कुछ नहीं समझती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं जीवन हूँ, है ना, तो मैं जीवन हूँ बोलेंगे तो हम रासायनिक भौतिक के संयुक्त रूप में अपने आप को उसमें अटैच नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ जीवनगत ही हमारे कार्यक्रम अपने आप में रहेंगे और हमको लगेगा बस अपने आप में सोचो, अपने आप में अनुभव को पालो। तो एक बार मेरे को फिर वापस एक बात याद आती है, और अनुभव शिविर के समय की ही बात याद आती है, तब बाबा जी बोले थे कि सिर्फ अपने अनुभव की सोचोगे तो मरने की ओर जाओगे। कितनी सुंदर बात है कि सिर्फ अपने अनुभव की सोचोगे तो मरने की तरफ जाओगे, सबको अनुभव हो जाए ये सोचोगे तो आपका अनुभव घटित हो जाएगा। तो जब हम अपने आप को तीनों क्रियाओं के संयुक्त रूप में स्वीकारते हैं तब हम अपने शरीर को भी उतना ही महत्व दे पाते हैं और शरीर का सही मूल्यांकन भी कर पाते हैं। और यदि शरीर का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे तो परंपरा की भी बात नहीं आ पाती है। तो जीवन क्रिया की महिमा और मानव परंपरा में इसकी आवश्यकता, तो इसकी आवश्यकता में ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो एक चीज ये जो मेरे को यहाँ पर बहुत बार बार बहुत सारे ऐसे किस्से याद आते हैं, जब बार बार कब अनुभव होगा, कब अनुभव होगा। एक दौर था वो भी, अपन काफी उसमें वो हो गए हैं, पर एक समय था मैं देखती थी जब हम लोग सब की अनुभव ही एक टारगेट रहता था। पर जब धीरे धीरे समझ में आया कि मानव के रूप में बाबा जी बार बार ध्यान दिलाने लगे, तब समझ आया कि अच्छा जीने की बात है और ऐसे ऐसे हमको चलना है। तो और जीवन क्रिया की महिमा को भी हम मानव स्वरूप में ही प्रमाणित कर पाएंगे और उसकी परंपरा बना पाएंगे, तभी मानव शोध के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है कि यदि जीवन क्रिया की महिमा को मानव परंपरा में इसकी आवश्यकता के रूप में यदि मेरा ध्यान जाता है,
तो हमारा जो इस बात को रखने का जो तरीका होगा, है ना, प्रस्ताव होगा, वो इस प्रकार से होगा कि मानव उसको ग्रह सहजता से ग्रहण करना चाहे। जैसे अपन बाबा जी को देखते थे कि कोई दबाव नहीं, है ना, किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं, और अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो तो किसी प्रकार की शिकायत नहीं। मतलब कोई ऐसे ऐसा रह सकता है? कभी सोचने में आता था कि, मेरे को याद है कि 10-15 वर्ष तक बाबा जी घर आ रहे हैं, बार 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 बोल रहे हैं, और मैं अपने आप में अपनी विधि में व्यस्त, उसके बावजूद भी जब जाओ तब स्वागत भाव, जब जाओ तब स्वागत भाव। तो अगर हमको परंपरा में इसकी आवश्यकता की तरफ अगर ध्यान जाता है, तो हमारा जो प्रस्तुति होगी वो इस प्रकार की होगी कि तभी मानव शोध के लिए तत्पर होना पाया जाता है। यदि मुझे आवश्यकता लगती है कि मानव परंपरा में इसकी ये होना चाहिए, जैसे आज अगर अपन देखते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में जो भी अपनी भागीदारी कर पाते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करने का जो हमारा लक्ष्य है वो परंपरा में ये चीज आ जाए, यही है। तो इस लक्ष्य से जब हम शिक्षा संस्कार में जाते हैं, तो वापस हमको अपने आप को पूरा करना हमारी बाध्यता हो जाती है। मतलब एक तो है कि बस बच्चे पढ़ लें, जो है सामने हमारे ये हो जाए, तो हमको अपने आप को बहुत अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चों से हम ज्यादा ही ऐसा लगता ही रहता है कहीं। लेकिन चूंकि ये परंपरा में आ जाए, ये लक्ष्य है, तो हर समय अपने आप को पूरा करना हमारे लिए एक आवश्यक बात हो जाती है, क्योंकि हमको निरंतर उस तरह रहना। ऐसा नहीं है कि हम किसी थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा जी रहे हैं। तो परंपरा के लिए आपको निरंतर अपने आचरण के साथ होने के लिए अपने आप को पूरा करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो धीरता वाली बात है, वीरता वाली बात है, उदारता वाली बात है, इन सबके साथ ही आप निरंतर चल सकते हो। किसी भी प्रकार के आडंबर के साथ निरंतर नहीं चल सकते। तो अगर हम इस तरह से प्रस्तुत होते हैं, तो मानव शोध के लिए तत्पर होता है, और ऐसी तत्परता जागृति सहज विधि से सर्व शुभ के अर्थ में प्रस्तावित होना होता है। तभी सर्व मानव समाधान पूर्वक व्यक्त होने, समझदारी पूर्वक हर परिवार समाधानित और सुखी होने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यदि एक जागृत मानव, है ना, अपनी महिमा के साथ जब इस परंपरा को बनाने निकलता है, तो हर मानव सर्व शुभ के अर्थ में जब ये प्रस्ताव आता है, तो सभी समाधान पूर्वक व्यक्त होते हैं और उसको पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। फलस्वरूप समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, प्रभावित होने का सौभाग्य उदय होता है। यही मुख्य बिंदु है। मतलब सीधी सी बात है कि यदि मैं समझना ही नहीं चाहूंगी, है ना, मतलब यदि मेरे सामने जो जिसको मैं गुरु कह रही हूँ, जिससे मैं समझना चाह रही हूँ, जिससे मैं सीखना चाह रही हूँ, तो वो यदि मेरी जो मूल प्रवृत्ति है ना, जो मानव का न्याय की याचना और ये सब बातें, अगर वो पूरी नहीं होती है, तो एक समय के बाद हम अभिभावक और अध्यापक को नकार ही देते हैं। मतलब ये कोई भी, हर कोई करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत सोचता है, नहीं सोचता है, कि जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है और यदि वो मुझे खुश नहीं कर रही है, मुझे तृप्त नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे हम उसको नकारने लगते हैं। तो जैसा अपन देख पाते हैं कि बाबा जी के आचरण से ही जुड़े हैं, जो भी हम जुड़े, उस समय तो बुक पढ़ने का भी नहीं था, लेकिन हर समय जो वो स्वागत भाव होता था, कभी भी गलतियों की तरफ ध्यान आकर्षण नहीं, हर बार यही बोलते थे। जैसे मेरे को एकदम याद है कि मैं उस समय विपश्यना में थी, और अंजनी भैया मेरे को अमरकंटक लेके गए, तो ऐसे ही बाबा जी बोले कि अगर बच्चों के लिए कुछ करना हुआ तो क्या क्या करोगे, ऐसे कुछ बात चल रही थी। सब और लोगों से भी बात कर रहे थे, मेरे से डायरेक्ट नहीं थी बात तो, पर मैं अपने, मतलब इतना वहां पर एक आपको स्पेस मिला रहता है कि आपको लगता ही नहीं कि मैं एकदम नई हूं, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि बाबा जी जिस तरह से एक एक जन से पूछते हैं कि हर किसी के अंदर ये आ जाता है कि अरे वाह। तो मेरे से भी कुछ पूछे तो मैं भी कुछ ऐसे ही बताई, क्योंकि उस समय बच्चों का ही ध्यान शिविर लेती थी मैं, तो बाबा जी तुरंत सबको बोले, देखो बिटिया कितना अच्छा सोचती है। मतलब मेरे को आज भी याद है कि बाबा जी की वो लाइन मेरे को उनकी ओर आकर्षित करती थी। मतलब
मतलब मेरा बार बार उनके पास जाने का जो एक वो होता था कि वो हमेशा आपको स्वागत भाव के साथ और आपकी अच्छी बात को प्रोत्साहन देना, मतलब जैसे अपन शिक्षा के लिए भी बोलते हैं कि प्रोत्साहन से मानव आगे बढ़ता है, तो हर मानव चाहे वो आज हर चीज से संपन्न है ना, फिर भी वो प्रोत्साहन से आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत सुंदर बात जो लगती है। तो अगर इस तरह से जागृत व्यक्ति से ये चीजें ऐसे फलित होती है तो हर कोई समाधानित होने पर सुखी होने की स्थिति स्पष्ट होती है और फलस्वरूप समृद्धि अभय सहस्तित्व प्रभावित होने का सौभाग्य उदय होता है। यही मुख्य बिंदु है। सर्व शुभ का प्रमाण भी यही है क्योंकि समाधान समृद्धि पूर्वक ही मानव सुख शांति का अनुभव करता है। इसी क्रम में समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक आनंद अपने आप में संपूर्ण होना पाया जाता है। सुख शांति संतोष की निरंतरता ही आनंद है। तो इस ढंग से मानव लक्ष्य सार्थक होने की स्थिति में इस ढंग से मानव लक्ष्य सार्थक होने की स्थिति में जीवन लक्ष्य सार्थक होता ही है। अपन जो बात किए थे, जो अविभाज्यता की बात है कि यदि आप अनुभवगामी जा रहे हो और आप समझ के समाधान की ओर जा रहे हो, समृद्धि की ओर जा रहे हो, तो ये जो चीज है ये इससे जो सुख शांति आती है ना, और फिर सुख शांति आती है तो आप उस काम को और अच्छे से करते हो, फिर आप उसमें और आगे बढ़ते हो, तो फिर सुख। तो ये जो हम भी अपने आप में देख पाते हैं, अभी अगर हम बोले कि पिछले 10 वर्ष से, मतलब अपने अंदर यदि कोई ये ऊर्जा क्या है, कैसे हो रहा है, तो ये यही दिखता है कि हम जितना कर पाते हैं है ना, उससे जो मन में सुख शांति आती है, फिर उसके लिए और हम आगे बढ़ते हैं, फिर सुख शांति। तो ये जो जिसको हम बोले कि मन स्वस्थता तक पहुंचने की जो ये यात्रा है, ये भी सुखद है। मतलब अगर अपन इसको बोले कि अगर हमारी मंजिल मन स्वस्थता है तो उसका रास्ता भी उतना ही सुखदाई है कि हम हर बार कुछ समझते हैं, हर बार हमारे अंदर कुछ सुख शांति बैठती है, फिर समझते हैं, और इस प्रकार हमको पता भी नहीं चलेगा और हम ये सुख शांति संतोष निरंतरता में आ जाएगा, ऐसा मैं देख पाती हूँ है ना। इसमें कुछ भी कम ज्यादा होगा तो मेरे बड़े भाई बहन भी हैं इसमें, वो भी मेरा ध्यान आकर्षण कराएंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। और जो भी मेरे भाई बंधु हैं उनको यदि इसमें कुछ भी लगा तो वो आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन लक्ष्य सार्थक होता ही है। जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य सार्थक होना ही अध्ययन और अध्यापन की सार्वभौमता है। मतलब जो भी अध्ययन और अध्यापन की सार्वभौमता है उसमें जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य सार्थक होना, क्योंकि परंपरा में यदि हम बोलते हैं कि मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ है, बाकी शेष प्रकृति अपने निश्चित आचरण के साथ है। यदि जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य सार्थक होता है अध्ययन और इससे, तो यही एक्चुअल में सार्वभौम व्यवस्था की ओर हमको लेके जाएगा। वही एक भाग है जो जिसको हम बोल सकते हैं रिक्त स्थली है इस पूरे उसमें, कि मानव अभी अपने मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य को नहीं पाया है। ऐसे लक्ष्य के साथ मानव परंपरा अपने आप में स्वयं को पहचान और व्याख्या बन ऐसे लक्ष्य के साथ मानव परंपरा अपने आप में स्वयं को पहचानने और संपूर्ण मानव को पहचानने का सूत्र और व्याख्या बन जाता है। मतलब यदि मुझे समाधान समृद्धि सुख संतोष सुख शांति संतोष इस तरह से यदि मेरे मेरे अंदर ये क्रियाएं इस तरह से अगर आवर्तित होती हैं और मैं अपने आप में यदि इस बात को कर पाती हूँ, स्वयं में व्यवस्था को पा पाती हूँ, तो हर मानव ऐसा ही है तो संपूर्ण मानव को पहचानने का सूत्र और व्याख्या बन जाता है। प्रमाण के रूप में व्याख्या, समझ के रूप में सूत्र होना पाया जाता है। प्रमाण के रूप में व्याख्या, समझ के रूप में सूत्र होना पाया जाता है। मतलब जब भी हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित ही हमको हर आयाम में, चारों आयाम में जीना होगा है ना, जिसको हमने कहा कि अनुभव विचार कार्य और व्यवहार। तो अनुभव विचार कार्य और व्यवहार में जब हम इन सारी चीजों को जी पाते हैं, अब यहाँ पर फिर वही बात आ सकती है कि यहाँ पर भी किसी बात का अधिमूल्यन अवमूल्यन नहीं है ना।
विचार विचार की अपनी वो है कि जहां पर हम किसी चीज को समझते हैं, फिर अगर हम समझे हैं तो उसको हम व्यवहार और कार्य में प्रमाणित। व्यवहार कार्य में भी किसी बात का अधिमूल्य न अवमूल्य नहीं है कि व्यवहार बड़ी चीज है कि कार्य छोटी चीज है, क्योंकि ये सब अविभाज्यता है। आप इसमें से किसी भी चीज को खंड खंड नहीं कर सकते। तो जितना व्यवहार महत्वपूर्ण है उतना ही कार्य भी महत्वपूर्ण है ना। मतलब मैं सोचू कि मैं बहुत अच्छा अच्छा व्यवहार करती रहूं, लेकिन मैं ये ध्यान ही नहीं दे रही हूँ कि मेरे भाई बहन जो मेरे साथ बैठे हैं वो खाना भी खाए हैं कि नहीं, है ना, उनको किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ तो नहीं है। तो ये भी हम लोग बाबा जी से देखे कि हम सब बढ़िया सत्संग कर रहे हैं, सब बैठे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, और जैसे ही चाय आती थी तो बस इतना खुश हो जाते थे वो, और बोलते थे अरे वाह क्या जुगाड़ आ गया। और उस समय यदि कोई मना बोल देता था तो तुरंत बोलते थे कि नहीं चलो पहले अपन सब। तो ये जो उनका एक आचरण था कि ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी साथ लेके चलना व्यवहार में, नहीं तो अपने को लगता है कि इतनी अच्छी बात चल रही है उसमें खाना पीना क्या। तो बहुत स्वभाव गति की बात है ये, मतलब ये बहुत स्वीकार होती है सब चीजें। मेरे को एक बार याद है हम लोग अमरकंटक गए थे सब हमारी सारी बहनों के साथ, तो ममता जैन भाभी जी की आंख में कुछ गिर गया था, और हम सब के साथ बाबा जी विद्यालय को लेके बात कर रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे, और वो बार बार आंखों को ऐसे करके भी बहुत बढ़िया से बैठी हुई थी। तो बाबा जी का ध्यान गया, बाबा जी बोले कि जाके गुल बकावली डालो। बोले हाँ हाँ बाबा जी, बस खाने के टाइम पे जाएंगे तब डाल लेंगे, अभी जाओ। तो बोले कि शरीर का ध्यान रखने में तुरंत निर्णय लो, और समझने का काम धीरे धीरे होगा, समझने का काम आराम से करो और शरीर की स्वस्थता को उसी समय पूरा करो। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनसे जब सुनते हैं तब एक संतुलन आता है, नहीं तो कहीं ना कहीं अति में तो मतलब जा ही सकते हैं, और जाते ही थे। बार बार उन्होंने ध्यान दिलाया और अपन उसको उसमें आते गए। तो इस प्रकार सूत्र होना पाया गया, यह नियति सहज विधि से समीचीन रहना पाया जाता है। नियति विधि का तात्पर्य विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है। दूसरे विधि से भौतिक रासायनिक रचना, शरीर और जीवन क्रियाकलाप का संयुक्त अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन के रूप में है। अगर हम विकास क्रम विकास बोल रहे हैं और जागृति क्रम जागृति बोल रहे हैं, तो भौतिक रासायनिक रचना, शरीर और जीवन क्रियाकलाप, इन सबको मिला के अपन विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ पर मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने और उस आधार पर जीवन लक्ष्य, मन स्वस्थता, सुख शांति, संतोष, आनंद को सार्थक बनाने के अर्थ में मानव शिक्षा संस्कार की आवश्यकता सदा सदा से बनी हुई है। अब यहाँ पर मानव की मानसिकता के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। मानवत्व पे बात हुई, फिर मानव के आचरण पे हुई, और अगर ये बात हमको समझ में आती है तो हम मानव की मानसिकता पे किस तरह से काम हो सकेगा उसके लिए ये बात है कि यदि मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य है ना, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने और उस आधार पर जीवन लक्ष्य, सुख शांति, संतोष, आनंद को सार्थक बनाने के अर्थ में, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के साथ जी रहे हो, सुख शांति, संतोष, आनंद के साथ जी रहे हो तो पूरा हो गया मामला। अब उसको सार्थक बनाने के अर्थ में मानव शिक्षा संस्कार की आवश्यकता सदा सदा से बनी हुई है। तो यहाँ वही सूत्र है हमारे विद्यालय के एक पाठ में, एक पाठ है सुखी ही सुख बांटता है ना। मतलब अब यदि मैं ये पा ली हूँ मन स्वस्थता, अगर मैंने मनाकार को साकार किया, मन स्वस्थता पाई, तो उसकी सार्थकता किस चीज में है, तो मानव शिक्षा संस्कार में। तो मानव शिक्षा संस्कार की आवश्यकता सदा सदा बनी ही हुई है, क्योंकि मानव संतान मानव परंपरा है, तब तक शिक्षा संस्कार की आवश्यकता बनी ही हुई है। तो इसकी सफलता ही मानव कुल का सौभाग्य है। अगर शिक्षा संस्कार में ही मानव कुल का सौभाग्य है। अब यदि ये चीजें शुरू से बच्चों को मिल जाती है, और जिस तरह से हर उम्र में हर जगह वो अपने मानव लक्ष्य को पाते हैं और जीवन लक्ष्य को पा लेते हैं, तो ये चीज
बहुत सौभाग्य की मानव जाति के लिए है। तो मन स्वस्थता और इसकी बात, अब मानव कुल, अब यहाँ पर शिक्षा वस्तु की बात आएगी कि मानव की मानसिकता के लिए किस तरह से वो होगा। मानव कुल और रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप का सार्थक प्रमाण, शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है, जो अपन इसी अध्याय में शुरू से पढ़ रहे हैं। अब उस बात को उसको इसमें शामिल करते हुए, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखने पर ही हम आगे का काम अच्छे से कर पाएंगे, कि शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है। इसमें से इनके अविभाज्य रूप में मानव परंपरा का संपूर्ण क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच विचार, समझ है। इसमें से इनके अविभाज्य रूप में मानव परंपरा का संपूर्ण क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच विचार और समझ है। समझ के अर्थ में ही हर मानव का अध्ययन करना होता है। समझ के अर्थ में ही हर मानव का अध्ययन करना होता है, जिसको हम संज्ञानीयता बोलते हैं, जिसको हम मन स्वस्थता बोलते हैं, जिसको हम जानना मानना पहचानना निर्वाह करना बोलते हैं। समझ अपने आप में जानना मानना पहचानना निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होती है। इसी अर्थ में संपूर्ण अध्ययन सार्थक होना पाया जाता है। अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयां रासायनिक भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में परिलक्षित है ही। गठनशील परमाणु से लेकर अणु, अनुरचित पिंड, प्राण कोशा, वनस्पति संसार, जीव संसार, सभी स्वयं में व्यवस्था में रहते हुए अपने अपने निश्चित आचरण को व्यक्त करते हुए समझ में आते हैं। ये रविकांत भैया जी की भी ये जो क्लास चली, मतलब कितनी सुंदर बात है कि यदि हमको ये समझ में आता है जब कि अंश भी है ना, मतलब परमाणु अपने आप में सबसे छोटी व्यवस्था के रूप में, पर परमाणु अंश भी व्यवस्था के लिए ही प्रवृत्त है। मतलब हर कोई व्यवस्था के ही लिए प्रवृत्त है, ये अपन अंश में भी देख पाए। तो इस तरह से अगर हम हर आगे जो विकास क्रम हुआ और फिर विकास, इसमें अपन इन चीजों को देख पाते हैं कि हर कोई विकास के लिए ही अग्रसर है। तो ऐसे प्रमाण में से धरती सबसे बड़ा प्रमाण है। धरती एक व्यवस्था के रूप में काम करती है। व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण ही है कि इस धरती पर भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकाशित है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी? इस गवाही के आधार पर, अर्थात पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था के निश्चित कार्य कलाप के अनुसार मानव अपने व्यवस्था में होने का भरोसा कर सकता है। मतलब अब अगर अपन ये देखें कि जब हम संपूर्ण व्यवस्था को समझते हैं, तब हमको अपने स्वयं में व्यवस्था में होने पर भरोसा होता है। तो ये जो संपूर्णता का अध्ययन है, जब हम संपूर्णता का अध्ययन करने जाते हैं, जब हम इन सारी सह अस्तित्व में नित्य वर्तमान को देखना, फिर उसमें विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, तो ये जब शेष प्रकृति की निश्चितता को देख पाते हैं, तब हमको स्वयं में व्यवस्था में होने का भरोसा होता है। मनुष्य को सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व सहज विधि से स्वयं व्यवस्था रूप में जीने का सूत्र और व्याख्या स्वयं स्फूर्त विधि से समझ में आता है। तो जैसा हम सब प्रकृति को देखकर समझ पाते हैं इन चीजों को, और फिर अपने आप में ही जीने का एक सूत्र और व्याख्या समझ में आती है। सहअस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण मानव को सहअस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण मानव को एक अखंड समाज के रूप में पहचानना हो पाता है। अखंड समाज मानसिकता का पूर्ण समझ ही ज्ञान विज्ञान विवेक रूप में सार्वभौम व्यवस्था का ताना बाना स्पष्ट हुआ रहता है। ऐसे सर्व शुभ के अर्थ में ही मानव व्यवस्था के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। इसलिए सार्वभौम व्यवस्था संपन्न होना मानव कुल के लिए परम वैभव,
सूत्र और व्याख्या है। इस प्रकार मानव कुल मानव संचेतना पूर्वक ही अपने में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में भागीदारी करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। सह अस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण मानव को एक अखंड समाज के रूप में पहचानना हो पाता है और इस प्रकार से पूरे मानव कुल मानव संचेतना पूर्वक ही अपने में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में भागीदारी करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। मतलब जब एक संपूर्णता का अध्ययन होकर जब मानव स्वयं में स्वयं को समझ पाता है और अपना अध्ययन होने से अपने मनाकार को साकार करने के साथ साथ मन स्वस्थता को पा लेता है तो इस प्रकार से भागीदारी करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि सह अस्तित्ववादी विधि से मानव अपने को पहचानता है। मानव जाति आचरण में धर्म प्रधान है, जीव जातियां स्वभाव प्रधान, वनस्पति गुण प्रधान, पदार्थ रूप प्रधान। मानव धर्म अपने में सुख के आधार पर समाधान प्रमाणित होना आवश्यक हो चुका है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्ण शिक्षा संस्कार ही इसके लिए परंपरा और स्रोत है। यही जागृत परंपरा है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्ण शिक्षा संस्कार ही इसके लिए परंपरा और स्रोत है और यही जागृत परंपरा है। कितनी सुंदर बात है कि हमारा ध्यान जा रहा है इन सारी बातों पर जो हम शायद पहले कभी नहीं सुने थे। और जितना स्वयं में अध्ययन हो रहा है, जितना अपन अपने मन स्वस्थता न भी अभी हम उसको शब्द दे पर उस ओर जो अग्रसर है, तो मैं तो ये देख पाती हूँ कि चाहे ऐसा नहीं है कि स्थितियां परिस्थितियां सब अनुकूल होगी तो सुख शांति आएगी। यदि समाधान आता है तो आप हर घटना में जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो पाते हो और अपने कर्तव्य दायित्व को निभा पाते हो। तो मानव के जो तृप्ति का आधार है वो उसकी भागीदारी है जिम्मेदारी पूर्वक। तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी पूर्वक यदि हम जी पाते हैं तो यही शायद हमको मन स्वस्थता की ओर लेके जाएगा। तो ऐसा करके आज अपन अभी की क्लास को पूरा करते हैं, समय भी हो गया है। और थोड़ा सा सर्वतोमुखी समाधान पूर्ण शिक्षा संस्कार की अगर बात आई है लास्ट में तो थोड़ा सा मेरा मन था वो मैं आपको कल के सेशन में रखती हूँ। और अगर आपकी जिज्ञासा या कोई भी बात हो तो आप लोग रखना, कल अपन उसको पूरा कर लेंगे, है ना। और आगे का दो अध्याय है उसको अपन पठन करेंगे। तो एक बार फिर से सबको नमस्ते करती हूँ और खूब खूब धन्यवाद देती हूँ राकेश भैया लोग को वापस कि